पी मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर सईद गनी का कहना था कि आज हक और सच की फतह हुई है। डॉक्टर आसिम को जमानत मिल गई, उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे। डॉक्टर आसिम को अदालत ने जमानत दी, किसी से कोई डील नहीं की। उनके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, काफ़ी अरसे बाद उनको जाके जमानतें उन्हें मिली हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे उस मौकफ़ की फतह है कि जिसमें हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि डॉक्टर आसिम के ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम, चाहे वो दहशतगर्दी के हों, चाहे वो नैब के मुकदमात या रेफरेंसेस हों, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। सेनेटर सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पंजाब में गैस की फराहमी के मंसूबे जारी कर दिए, लेकिन सिंध पर पाबंदी है जो नाइंसाफ़ी है। आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। हमें एतराज़ नहीं है इस बात पर कि पंजाब को गैस ना दी जाए, बिल्कुल आप जाएँ उनको गैस दें, लेकिन ये ज़्यादती हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिंध के पास इजाफी गैस है लेकिन सिंध के इंडस्ट्रीज जो हैं वो गैस के लिए तरस रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं, उनको नहीं दी जा रही है। सिंध के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो गैस की दरख्वास्तें दे रहे हैं, उनको गैस नहीं दी जा रही है, उनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन अगर पाबंदी उठाई जा रही है तो उस सूबे के लिए उठाई जा रही है जिसकी गैस इजाफी नहीं है, जिसके पास वाफिर गैस नहीं है। ये ना सिर्फ ये है कि आईन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सिंध बलोचिस्तान के लोगों के साथ सरियन ज्यादती है। इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। के एम अब्बासी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।